बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर इंदौर से, जहां गोगा देव नवमी के मौके पर सफाई मित्रों का आज अवकाश है और ऐसे में महापौर समेत जन प्रतिनिधियों ने इंदौर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी संभाली। राजवाड़ा पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी झाड़ू हाथ में लेकर शहर को साफ किया। स्वच्छता अभियान में कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे तो सामाजिक संगठन और नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर हमेशा ही मिसाल पेश करता आया है। सफाई मित्रों के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी हमेशा ही रही है, जिन्होंने लगातार 7 बार इंदौर शहर को नंबर 1 बनाया। लेकिन आज क्योंकि सफाई मित्रों का अवकाश है, छुट्टी है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने और उसके साथ ही आम नागरिकों ने झाड़ू हाथ में लेकर शहर को साफ किया है। के मामले में हर बार मिसाल पेश करने वाले इंदौर शहर में अगर बात की जाए तो गोगा नवमी के दूसरे दिन जब सफाई मित्र अवकाश पर होते हैं, उस दिन सफाई का जिम्मा यहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के अलावा यहां की जनता संभालती है। और इस वक्त आप तस्वीरें देखें, इंदौर के राजवाड़ा की तस्वीर है जहां पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हाथों में झाड़ू थामी है और सड़कों पर वे सफाई कर रहे हैं तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में। सर, क्या कुछ संदेश है और यूं ही नहीं इंदौर कहलाता है नंबर 1? इंदौर है स्वच्छाग्रही, स्वच्छता हमारा आग्रह है और स्वच्छता हमारी आदत है। और आज का दिन तो विशेष है, हर बार गोगा नवमी के दिन के बाद पूरा इंदौर खुद अपनी गलियों का, मोहल्लों का, बगीचों की साफ़ सफाई करता है। आपने देखा होगा कि इंदौर में जब कभी कोई जलसा हो, जुलूस हो, चाहे रंगपंचमी की गैर हो, उसके पीछे पीछे हमारे सफाई मित्रों की टीम चलती है और गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को साफ रखती है। वैसे ही जब गोगा देव का उत्सव पर जुलूस निकले, झांकी निकले, जलसा हो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके बाद की सफाई हम करें। आज वो अवकाश पर रहते हैं तो पूरा इंदौर साफ रहे, इसको लेकर हर गली में, मोहल्ले में रहवासी संघों के साथ मिलकर ये बड़ा सफाई अभियान आज चलाया जा रहा है। अब तो यूनिवर्सिटी बन चुका है इंदौर सर। सर, वैसे मेरा ये कहना है कि रोज़ हर दिन हर किसी को सीखना चाहिए। हम भी दूसरों से सीखते हैं, दूसरे भी इंदौर की यूनिवर्सिटी से सीखें। चलिए, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंदौर की तासीर रही है स्वच्छता को लेकर, जिस तरीके की अलग जगी। और आप यहाँ पर पीछे देखें तो तमाम इंदौर के जो शहरवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और आज सड़कों पर इंदौर की इसी तरीके का नज़ारा दिखाई देगा। अगर बात करें इंदौर कलेक्टर की, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार इस अभियान में शामिल हुए हैं। सर, क्या कुछ संदेश है आज देख रहे हैं, पूरा इंदौर सड़कों पर है, झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है? निश्चित रूप से इंदौर की स्वच्छता की जो परंपरा है उसमें एक बहुत ही अहम पड़ाव रहता है। गोगा नवमी के दिन जब एक दिन मिलता है सभी हमारे सफाई मित्रों को अवकाश का, उस दिन सब लोग आगे आकर और जन भागीदारी से सफाई करते हैं। उसी अनुक्रम में मेरे द्वारा रजवाड़ा पे श्रमदान किया जा रहा है और आज के दिन पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वच्छता में एक बार फिर से इंदौर नंबर 1 आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि सेतु कृपया सहयोग करें। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जी हैं और संदेश भी दे रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में अधिकारी भी आज सड़कों पर उतरे हैं। और यही कहीं ना कहीं इंदौर की तासीर है कि जब स्वच्छता की बात आती है तो पूरे इंदौर की सहभागिता उसमें नजर भी आती है। और आज राजवाड़ा पर जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसने एक बार फिर से देश में स्वच्छता के मामले में कहीं ना कहीं मिसाल पेश की है। इंदौर से नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।